कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी विजय दयाराम के ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती किसानी सहित उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि के लिए आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आय समृद्धि के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता उपलब्ध कराएं। किसानों का खेती किसानी कार्य हेतु लैंप सोसाइटी तथा सहकारी बैंक से ज्यादा जुड़ाव रहता है। इसे मद्देनजर रखते हुए संबंधित विभागों के समन्वय से कृषि एवं उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन आर्थिक गतिविधियों हेतु किसानों को अधिकाधिक किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाए। कलेक्टर द्वारा विगत बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन की समीक्षा कर बैठक में एजेंडावार विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए एनपीए ऋण की वसूली प्राथमिकता के आधार पर किए जाने, रबी ऋण वितरण की समीक्षा, खरीफ ऋण वितरण 2024 के लक्ष्यों को पूर्ण करने, खाद बीज का अग्रिम भंडारण कर कृषकों को शीघ्र वितरण करने, वित्तीय वर्ष 2023-24 की लाभ हानि की समीक्षा कर शुद्ध लाभ 14,60,00,000 रुपए से अधिक राशि अर्जित करने के लिए बधाई दिया। बैठक के दौरान इसी अनुक्रम में बैंक द्वारा विभिन्न संस्थाओं में किए गए निवेश विनियोग की समीक्षा, वर्ष 2024-25 हेतु नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रेषित करने, बैंक के पीएलआर दर पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऋणों की वसूली हेतु एक मुफ्त समझौता योजना की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाने, साइबर सुरक्षा नियंत्रणों की ऑडिट रिपोर्ट, माइक्रो एटीएम की मासिक आवर्ती लागत, बैंक के प्रधान कार्यालय भवन में जीर्णोद्धार किए जाने संबंधी निर्णय पारित कर समयावधि में क्रियान्वयन किए जाने निर्देश करते हुए प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित कर बैंक के कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति लाने एवं शासन की योजनाओं को अधिक से अधिक कृषकों एवं आम जनों तक पहुंचाने में बैंक की सहभागिता बढ़ाने निर्देश दिया गया।